गुरनाम सिंह चडूनी फरल गांव पहुंचे। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में गुरुद्वारा गांव फरल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शहीद हुए किसानों को गुरनाम सिंह चडूनी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरनाम चडूनी सरकार पर जमकर बरसे और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए चडूनी ने राजनीति में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो हालत है वो राजनेताओं की वजह से है और पूंजीपति लोग पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। देखिए, पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। आज हमारे देश की जो हालत हुई है, बर्बाद करके रख दिया है, वो हमारे देश की राजनीति ने किया है। पूंजीवाद पूंजीपति जो लोग हैं वो पूरे देश पे कब्जा कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। तो इसका जो इलाज है वो राजनीति से ही है और उसी को सुधारने के लिए राजनीति में आने का प्रयास किया। फिलहाल ये 22 सीटों के साथ राज्यपाल जी ने पार्टी बनाई है, आपने भी पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात की है। बीजेपी वालों का या बीजेपी का ख्याल है राजनीति को चमकाने के लिए ही ये लोग आंदोलन में उतरे थे। तो अगर राजनीति इतनी गंदी है, सबसे पहले तो बीजेपी को छोड़ देनी चाहिए। मतलब खुद तो करे तो ठीक, दूसरा करे तो उनके पेट में दर्द। और अगर ये रास्ता अच्छा है तो उनको अपना लेना चाहिए आंदोलन का रास्ता। उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को उठाने की चाहिए। रतन मान जी का कहना है कि गुरनाम भाई राजनीति में आए, उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें, लेकिन संघर्ष ही उनसे अलग हो जाएंगे। वो पहले अपने जो उनका बॉस है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले उससे पूछ लेते हैं। दो बार तो वो भी चुनाव लड़ चुका हूँ। सर, जो आने वाले जिला परिषद के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, क्या उसमें हमने हरियाणा में ये कहा है कि जो भी भाई आंदोलनकारी आगे आना चाहता है, जिसने बहुत अच्छा आंदोलन लड़ा हो, उसको प्रेफरेंस दें। क्या उसके लिए कमेटियाँ बनाई गई है सर? नहीं, कमेटियाँ कुछ नहीं बनाई गई। वैसे लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उनको स्थान दें। इस तरह से चंडीगढ़ में इलेक्शन में राजनीति की तस्वीर बदलती नजर आ रही है, पंजाब में क्या? देखिए, उम्मीद तो पंजाब में भी बदलने की है, लेकिन बदल के अच्छे लोग उसमें इंटर करें तब फायदा है, वरना तो ए टीम बदल के बी टीम आ जाती है, बी टीम बदल के ए टीम आ जाती है, वरना तो वही हो रहा है। तो आगे किसान आंदोलन के लिए आगे क्या नई रणनीति रहेगी, आगे क्या सरकार? अभी जो उन्होंने वादे किए थे तो उसकी समीक्षा महीने दर महीने करते रहेंगे। 15 तारीख 15 जनवरी जरूरी का मीटिंग है एस के एम की, तो अगर सरकार को दाएं बाएं हिलेगी तो फिर अगला प्लान बनाएंगे। तो क्या 5 राज्यों में अभी इलेक्शन है, उनमें ट्रेलर दिखाया जाएगा सरकार? देखिए, अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, बाकी में अभी तय नहीं किया। पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे? पंजाब में केवल पंजाब में हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जगह पे नहीं। किसान नेता से राजनेता बने गुरनाम चडूनी, राजनीति में किन मुद्दों के साथ उतरे हैं? राजनेता का बड़ा मैंने क्या कहा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अभी मैं